आज मैं आपको एक परछाई और उसके बाद एक रियलिटी। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए परछाई और बोलिए रियलिटी। पहले मैं आपको परछाई में लेके चलता हूं, उसके बाद हम रियलिटी में आएंगे। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल बताती है इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे चूज किया कि वो अपने घर को छोड़कर उस देश में चला जाए जो खुदा उसे देने वाला है। बाइबल बताती है इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ दिया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने न्यू टेस्टमेंट में यह कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने मां बाप भाई बहन और खुद को अप्रिय जाने। आप जानते हैं अगर आप किसी के साथ भी अटैचमेंट में हैं, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड लव? क्या आप प्रेम और अटैचमेंट में डिफरेंस जानते हैं? एक दिन मैं घर में गया था, एक आंटी ने कहा मेरा बच्चा बीमार है, उनके लिए प्रेयर करो। और मैंने प्रेयर की, नेक्स्ट डे भी वो लड़का ठीक नहीं हुआ था। और फिर मैं नेक्स्ट डे भी उनके लिए प्रेयर करने गया। जानते हैं नेक्स्ट डे पर उनकी मम्मी ने मुझे क्या कहा? प्रभु को बोलो कि अगर वो उसका बुखार नहीं उतारेगा ना तो एक काम करे, इसका बुखार मुझे दे दे, मैं मर जाऊं। आप जानते हैं ये क्या है? इट्स अटैचमेंट। यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूस पे मरने जा रहा हूं। पतरस ने कहा प्रभु आपके साथ ऐसा ना हो। यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। एक आदमी को यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, वो आदमी कहता है जब तक मैं अपने पिता को गाड़ के ना आऊं मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। बहुत सारे जो लोग है ना अटैचमेंट्स में है। जानते हो अटैचमेंट, अगर आप को जानना है कि आपको किस चीज से बहुत अटैचमेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, होल डे यहां पर क्या चलता रहता है? पति बच्चे मोबाइल, जिस चीज के बारे में आप सबसे अधिक सोचते हैं आप उसी चीज से खुदा से ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखिए। और जानते हैं कई बार परमेश्वर आपकी अटैचमेंट ब्रेक करने के लिए क्या करता है? मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूं फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूं। लिसन वेरी केयरफुली, व्हेन गॉड डील्स यू इट्स वेरी पेनफुल। जानते हैं जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने पर था तो जानते हो एक्चुअली परमेश्वर उसके बेटे को नहीं मार रहा था, परमेश्वर एक्चुअली इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। ऐसी नौबत ही मत आने दो कि परमेश्वर आपसे चीजें मांगे। मैं आपको अपने दोनों हाथ उठाकर आपको बताता हूं, मैंने जब भी परमेश्वर से अधिक किसी भी चीज से प्यार किया है मैं स्पिरिचुअली डाउन हुआ हूं। मैंने जब भी परमेश्वर से अधिक किसी चीज से प्यार किया है मैं आपको बताना चाहता हूं मैं माइनस में आया हूं। परमेश्वर अगर आपसे कुछ डिमांड करता है ना तो वो जानते हैं क्या करता है कि मुझसे प्रेम करो, दैट्स इट। बाइबल बताती है उसने इब्राहिम से कहा कि अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। इब्राहिम ने अपना सब छोड़ा और जैसे वो वहां के लिए निकला मैं आपको बताना चाहता हूं इब्राहिम वहां पर पहुंचा, इब्राहिम को लैंड मिला और उसके बाद प्रभु ने उससे कहा मैं तुझे बेटा दूंगा और उसके द्वारा तेरा वंश चलेगा। आप सभी जानते हैं 100 ईयर्स की एज में इब्राहिम को एक लड़का हुआ। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं जिन भी बहनों को बच्चे नहीं होते हैं मेरी ये दुआ है यीशु के नाम से अगले साल आप अपने छाती से एक बच्चे को लगाएंगे, आमीन। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया। अब हुआ क्या, इब्राहिम अपने बेटे के साथ कुछ ज्यादा ही मिक्स हो गया। बोलो ज्यादा ही मिक्स हो गया। हाँ
बोलिए इब्राहिम कुछ ज्यादा ही जुड़ गया। और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा कि अब इस चीज की वजह से ये मुझे भूल रहा है, मैं चाहता हूं आप सब यहां देखिए। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब आपको प्रभु कुछ देता है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हो? ओ लॉर्ड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे दिया। आप जानते हैं एक्चुअली बाइबल टीच करती है कि जब आपको खुदा कुछ देता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप जानते हो पहले क्या होना चाहिए? मोसेस ने इज़राइल के लोगों को यह सिखाया था कि जब तुम उस नगर में पहुंचो और वहां पर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाए, तब ध्यान देना कि तुम अपने परमेश्वर को भूल न जाओ। यू नो, हम लोग को जब कुछ मिल जाता है ना, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा थैंक यू लॉर्ड आपने मुझे दिया, और हम उन्हीं चीजों के हो जाते हैं। लेकिन मोसेस ने उन्हें बहुत बार सिखाया था कि जब तुम उस नगर में जाओ और तुम्हें बहुत बड़े बड़े घर मिल जाए, तुम्हें बहुत सारी फसल मिल जाए, तब अपने परमेश्वर को भूल मत जाना। दुखों में यीशु के सामने हर कोई रोता है, प्रभु मेरे को ये प्रॉब्लम है, प्रभु मुझे वो प्रॉब्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं कि आपके लाइफ में बिगेस्ट बड़े बड़े काम होते हैं, फिर भी आप न्यूट्रल रहते हो? यू आर लिविंग फॉर द लॉर्ड, आप खुदा के लिए जीते। कुछ लोग इतने इम्बेलेंस्ड होते हैं अपने लाइफ में कि अगर कोई उनको प्रेस करे ना, ओ आप बहुत अच्छे हो, इतने खुश हो जाएंगे, खुशी में रात को सोएंगे ही नहीं। अरे मेरे को बोला, हमारे चर्च में एक बहन आती है, वो एक रात पूरी सोई नहीं थी, तो नेक्स्ट डे आई, उन्होंने बोला सूरज भाई मैंने नींद ही नहीं की है। तो मैंने बोला बहन क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया आपने? बोला एक सब्जी है, मैं वो हमेशा गंदी बनाती थी, लेकिन इस बार मेरे हाथ से ऐसे बन गई, मेरा हस्बैंड खा खा के उंगलियां चाट रहा था, और इस खुशी में मुझे नींद ही नहीं आई कि ये मैंने बना लिया। कई बार आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा, गंदा पेपर देकर आए थे, फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए, सारी रात खुशी में नींद नहीं आई। कई बार आपने देखा होगा जब आपके पास फर्स्ट सैलरी आई थी, आप कैसे आए थे रास्ते से झूम झूम के। मुझे आज भी पता है, जब मुझे फर्स्ट सैलरी मिली थी, तो मैं इतना, मुझे लग रहा था मैं बैंड करवा के घर पे आ जाऊं कि मैंने कुछ किया, आई अचीव समथिंग, मैंने कुछ किया। और मैं रास्ते से दही वड़ा दे दे, तू समोसा दे दे, मैं सब घर पे लेके जा रहा था। तो बाद में मालूम पड़ा कि आधी सैलरी तो ऐसे ही खत्म हो गई। यू नो, कई बार आपने देखा होगा खुशी के अंदर लोग ऐसे ऐसे वादे करते हैं। मैं आप बहनों से पूछता हूँ, जितनी बहनें मैरिड हैं, आपके पति ने खुशी में जो वादे किए उसने पूरे किए नहीं किए होंगे, लिख के दे सकते। और आप बहनों ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे अपने बच्चों से, तू पास हो जा, साइकिल लेके दूंगा, साइकिल छोड़ो टायर तक नहीं लेके दिया होगा आपने उसको। यू नो, कई सारे जो लोग होते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो संभल नहीं पाते हैं। आप जानते हैं अपने लाइफ के अंदर जब आप बहुत खुश हो ना, उस टाइम पे भी आपको ऐसे रहना चाहिए। अब ये खुशी की बात हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर उनको पता चल जाए कि उनके पीठ के पीछे कोई कुछ बोल रहा है, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं वो लोग, रात भर बैठ के सोचेंगे मैं ऐसा हूं, मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने, मैं सवेरे ही इनके घर में जाऊंगी, मैं तो बात करके आऊंगी। नहीं, बातें क्लियर करनी है। क्यों करनी है? मैं सोशल मीडिया पे कितना ट्रोल होता हूं आपको पता है? कई बार कई लोग मेरे को ट्रोल करते रहते हैं, ओ यू आर ऐसा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। मैं जानते क्या करता हूं, मैं उनको हमेशा एक ही रिप्लाई बोलता हूं, आपको पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का।